नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 11 लोकसभा सीटों पर मतदान आज, जिसमें से उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की सीटें हैं शामिल। 2,28,00,000 मतदाता 23,284 मतदान केंद्रों पर करेंगे वोटिंग। 298 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में होगी बंद। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर आज सुबह से मतदान जारी। चुनाव अधिकारी ने कहा, नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, सिरूर, अहमदनगर, सीडी और बीड निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा समाप्त। पंकजा मुंडे, इम्तियाज जलील और अमोल कोहले समेत कई दिग्गज नेता आजमा रहे हैं अपना अपना भाग्य। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की मौसम विभाग ने जताई संभावना। राज्य में पिछले 3 दिनों में विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश, मौसम विभाग ने ठाणे, रायगढ़ में बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट, तो वहीं मुंबई में हल्की बारिश होने की जताई है संभावना। मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मौके से पुलिस ने ड्रग्स बनाने वाले केमिकल सहित अन्य सामग्री की जब्त। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 107 करोड़ रुपए कीमत के मादक पदार्थ के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सुबह 7 बजे से ही वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचे लोग। संभाजी नगर के पालक मंत्री और औरंगाबाद लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार संदीपान भूमरे ने पैठान मतदान केंद्र पर परिवार के साथ किया मतदान। लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुंबई दौरा। अपने दौरे के दौरान सुबह जुहू चौपाटी पर मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के साथ खेला क्रिकेट मैच। सीएम ने बच्चों के साथ क्रिकेट मैच खेलने के बाद जुहू चौपाटी पर मॉर्निंग वॉक के लिए आए लोगों से की बातचीत। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नई मुंबई में अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 37 साल के पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला किया गया है दर्ज। पुलिस अधिकारियों ने बताया, 31 साल की पीड़िता की शादी 30 नवंबर 2024 को नई मुंबई के खारघर इलाके के निवासी और सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर आरोपी से हुई थी। दंपत्ति के 7 और 3 साल के हैं 2 बेटे। महाराष्ट्र के अहमदनगर से महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार नीलेश लंके ने बीजेपी पर चुनाव में पैसे बांटने का लगाया आरोप। लंके ने पैसे बांटने का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया शेयर। आरोप है कि बारामती की तरह बीजेपी ने अहमदनगर में भी बांटे पैसे। वीडियो में बीजेपी पारनेर तालुका अध्यक्ष राहुल शिंदे आ रहे हैं नजर। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ताधारी पार्टी की ओर से बड़े पैमाने पर पैसे बांटने का लगाया आरोप। संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाते हुए किया दावा। कहा, मुख्यमंत्री ने नासिक में बांटे हैं 12 से 13 करोड़ रुपए। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अहमदनगर में अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से की अपील। कहा, आज लोकतंत्र का है बहुत बड़ा उत्सव और सभी को इस उत्सव में लेना चाहिए भाग और मतदान करते समय चरित्रवान और ईमानदार व्यक्ति को ध्यान में रखकर देना चाहिए वो। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।